अलग अलग एंगल से आपको दिखा रहे हैं कि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। चने की दाल का पायसम है और आप कॉम्बिनेशन देखते चलिए, कह रहे हैं कि इसमें पापड़ तोड़ के डालना है ये वाला। क्या क्या कर रहे हैं जी। ओह माय गॉड। तो भारत के एक ऐसे मंदिर में है अभी हम, यहाँ पर नाग देवता जी को दूध चढ़ाया जाता है और साथ में हल्दी चढ़ाई जाती है। मंदिर परिसर में आपको सिर्फ हल्दी की ही खुशबू यहाँ पर मिलेगी। केरल के तिरुवंतपुरम में ये मंदिर कहलाता है सबरीमाला वुमेन। यहाँ पुरुषों का कुछ खास दिनों में आना मना है। नमस्कार, इस समय हम केरल के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर हैं और आज हम पहुँच चुके हैं केरल के सबसे बड़े विष्णु मंदिर पद्मनाभा स्वामी मंदिर में, जिसे कि भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। भगवान श्री विष्णु जी का आज पद्मनाभा स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। केरल तीर्थ यात्रा का आज का जो हमारा 7वां और अंतिम दिन है, हमने गुरुवायूर से शुरुआत की थी जो कि भगवान श्री विष्णु जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है केरल में, और यहाँ पर भगवान श्री विष्णु जी को बाल रूप में पूजा जाता है। उसके बाद हम एलिफेंट सिटी त्रिशूर में गए थे, फिर कोची और फिर थिरुवला। तो आज हम पहुंच चुके हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, जहां की भगवान श्री विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है भारत का। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम आपको केरल के ट्रेडिशनल केले के पत्ते पर सर्व की जाने वाली सदया भोजन के बारे में भी बताएं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ पर 4 तरह से एंट्रेंस है। तो हम इस समय खड़े हैं यहाँ पर मंदिर की मुख्य एंट्रेंस है, जहाँ से भक्त जाते हैं ईस्ट नाडा स्ट्रीट पर। तो पहले हम पद्मनाभा स्वामी मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के इस अलग रूप के दर्शन करते हैं और फिर आकर आपसे बात करते हैं। एक और बात, यहाँ पर भी ड्रेस कोड जैसे कि केरल के बाकी मंदिरों में है उसी तरह से है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको अगर शर्ट या कोई भी ऊपर का कपड़ा सबमिट करवाना है, जमा करवाना है, तो उसका अलग से चार्ज लगता है, 5 रुपये 10 रुपये। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी यहाँ पर बैंड है, सिर्फ नीचे धोती पहनकर आप जा सकते हैं और जो लेडीज़ हैं वो साड़ी या सूट पहनकर जा सकती हैं। पद्मनाभा स्वामी मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं, लगभग 2 घंटे का हमें समय लगा। तो सबसे पहले तो जो भगवान श्री हरि विष्णु जी के यहाँ पर दर्शन होते हैं वो शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है, जो कि आपको भारत के किसी मंदिर में भी ऐसे दर्शन नहीं होंगे। यहाँ पर भगवान विष्णु की जो विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा गया है, उनके एक हाथ में जो कि उनका दायां हाथ है उसमें वो शिवलिंग को पकड़े हुए हैं। अभी में से कमल का फूल निकल रहा है और उस कमल के फूल के ऊपर जगत पिता ब्रह्मा जी विराजमान है और इसीलिए ही इस मंदिर को कहा जाता है पद्मनाभा स्वामी मंदिर। तो प्रथम द्वार पर आपको दर्शन होते हैं हरि विष्णु जी के चेहरे के, शेषनाग जी के, और जो उन्होंने शिवलिंग पकड़ के रखा हुआ है। द्वितीय द्वार पर आपको भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन होंगे और सबसे अंतिम द्वार पर आपको दर्शन होते हैं जो हरि विष्णु जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से 3 द्वारों का यहाँ पर एक विशेष महत्व रहता है। तो ये तो हो गया कि गर्भगृह में आपको मुख्यतः क्या क्या दर्शन होते हैं। और दूसरी मुख्य विशेषता भी इस मंदिर की कि इस मंदिर का आप आर्किटेक्ट देख रहे हैं वे भी बेहद लुभावना है। पद्मनाभा स्वामी मंदिर उन कुशेक मलयाली मंदिरों में से है। यहाँ आपको तमिल द्राविड आर्किटेक्ट के साथ साथ जो यहाँ का स्थानीय केरल का चेरा स्टाइल आर्किटेक्ट है उसका फ्यूजन भी देखने को मिलता है। अभी तक हमने केरल के जितने भी मंदिरों के दर्शन किए हैं वहाँ पर हमें कहीं पर भी गोपुरम देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर ये द्राविड स्टाइल आपको देखने को मिल रहा है, जो गोपुरम है, गोल्डन बेस जो गोपुरम लगता है। तो केरल के इसी पद्मनाभा स्वामी मंदिर में ही आपको इस गोपुरम के यहाँ पर दर्शन होते हैं। अमूमन केरल के मंदिरों में गोपुरम हमने नहीं देखे। मान्यता है कि 18वीं सदी में जो यहाँ के राजा थे मारतंड वर्मा, उन्होंने नेपाल की गंडकी नदी से वो शालिग्राम लाए थे और यहाँ पर उन शालिग्राम को स्थापित किया गया था। और मारतंड वर्मा को ही श्रेय जाता है जो आज का वर्तमान स्थिति में आपको ये पद्मनाभा स्वामी मंदिर दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर पद्मनाभा स्वामी मंदिर में हरि विष्णु जी के स्थापित होने की। तो इसका जो इतिहास जुड़ता है वो जुड़ता है एक वैष्णव संत बिल्वा मंगल स्वयंवर से। वो भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में समाधि लगाए हुए थे, आंखें बंद करके समाधि करते थे। तो एक बालक उन्हें बार बार आकर उनकी भक्ति में ध्यान भंग करता था। बालक ने उन्हें बता दिया कि वो खुद ही स्वयं हरि विष्णु हैं। तो फिर बालक ने उन्हें आदेश दिया कि अगर वे उनके विराट रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो वो उनके पीछे पीछे आए। तो चलते चलते स्वामी जी एक महुआ पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। अनंत काड़ू जंगल होता है वो, तो अनंत काड़ू जंगल में वो महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर
भगवान श्री हरि विष्णु के उस विराट रूप के दर्शन का इंतजार करते हैं। जिस महुआ पेड़ के नीचे स्वामी जी बैठे होते हैं वो महुआ पेड़ एकदम से अचानक गिर जाता है और उसी महुआ पेड़ के अंदर से भगवान श्री हरि विष्णु के जो विराट रूप के दर्शन उन्हें होते हैं। और आज जो आप अंदर दर्शन करते हैं, और मान्यता है कि आज के पद्मनाभा स्वामी मंदिर में जो अंदरूनी हिस्सा है उसी महुआ के पेड़ के अंदरूनी हिस्से से बना हुआ है। पद्मनाभा स्वामी मंदिर से ना अरब सागर भी बिल्कुल पास में स्थित है, तो यहाँ का जो मुख्य त्यौहार होता है अराटू फेस्टिवल, जिसमें कि भगवान के जो विग्रह है उनको साल में दो बार स्नान कराया जाता है, रिचुअल बाथ इसे कहा जाता है। पेन कुनी अराटू फेस्टिवल होता है जो कि मार्च अप्रैल में किया जाता है, तब भी भगवान को स्नान करवाया जाता है। तो अरब सागर के करीब होने से भी इस मंदिर की जो सुंदरता है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। तो बात करते हैं कि पद्मनाभा स्वामी मंदिर को भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से क्यों गिना जाता है। तो मंदिर के अंदर ही यहाँ पर 6 तहखाने हैं, तो इनमें से कुछ तहखानों को जब खोला गया तो कई हजार करोड़ के हीरे जवाहरात मिले, जिससे कि ये भारत का सबसे समृद्ध और अमीर मंदिर माना जाने लगा। और आज भी उन तहखानों में से एक तहखाना ऐसा है जहाँ पर बाहर ही आपको नागराज की प्रतिमा के दर्शन होंगे, और यहाँ का जो शाही परिवार है वो इस तहखाने को खोलने से मना करता है, क्योंकि उनका मानना है कि जिस दिन वो तहखाना खोल दिया जाएगा उस दिन ही संसार में प्रलय आ जाएगी। इस तरह की कई अनसॉल्व मिस्ट्रीज इस पद्मनाभा स्वामी मंदिर को और भी रहस्यमय बनाती है। तो ये तो हो गए पद्मनाभा स्वामी मंदिर के दर्शन। अभी हम कपड़े बदल के जाएंगे केरल की सद्या खाने के लिए, जिसका हमें कई दिनों से इंतजार था। लो जी, हमारे इतने दिनों की खोज आज खत्म हो रही है सद्या की, केरल की जो ट्रेडिशनल फीस्ट है। मेरे पीछे आप देखिए मदर्स वेज प्लाजा जो मंदिर है, मुख्य मंदिर से दूरी इसकी है मात्र 2.5 किलोमीटर। हम ऑटो वाले को 50 रुपये देकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अंदर चलते हैं, अपना सद्या का टोकन लेते हैं। चेहरे पर आप मेरे खुशी देख सकते हैं। आई मैंगो आमला, ठीक है। तो सद्या की शुरुआत हो चुकी है। आमला चटनी, ये कुटुम्बर, खीरा, क्या दिस अवियल, अवियल, दिस वन, दिस इज फ्रॉम कैबेज तोरण, कैबेज तोरण, एंड दिस वन इज पोटैटो कुट्टू, पोटैटो कुट्टू, पोटैटो कुट्टू, ठीक है। दिस इज बनाना, बनाना, केरला पापड़म, केरला पापड़म, and rice is a brown rice, traditional white rice, traditional brown rice, traditional brown rice, so you can match up the combination. Okay. ट्रेडिशनल ब्राउन राइस, थोड़े से और डालिए, थोड़े से, तो बड़ी तेज़ी से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ये क्या, दाल, ओके, और देसी घी। तो अभी ना बड़ी स्पीड से सारा कुछ आ गया, हम इतना तैयार भी नहीं थे। तो पहले 4 यहाँ पर अचार आए हैं, साथ में 4 तरह की चटनियाँ आई हैं, दही की चटनी है, पाइनएप्पल की चटनी है और खीरे की चटनी है, 3 सब्जियाँ आई हैं। और सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिशनली सद्या जब हम यूज़ करते हैं, शुरू करते हैं, वो करते हैं मूंग दाल, देसी घी और ब्राउन राइस, जो यहाँ के केरल के ब्राउन राइस है, ठीक है। और दाल बिल्कुल मैश्ड है सूप की तरह। तो अभी करते हैं सद्या अपनी शुरुआत। देख के ना, खाने से पहले सिर्फ दिल कर रहा है कि इसको मैं देखता रहूँ 2-3 मिनट के, देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है। बनाना देखिए, कितना छोटू सा जो बनाना यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी रोल है, बाद में बताते हैं आपको। दाल बिल्कुल सिंपल है, कोई भी तीखापन नहीं है, उसके साथ इसलिए चटनियाँ दी हुई हैं आप इसमें ऐड कर सकें। ये हम पाइनएप्पल की चटनी मैंने पहली बार सुनी है और पहली बार ही खाने लगा हूँ। पास लाइए, पहली बार खाया और इतना टेस्टी लगा मेरे को ये पाइनएप्पल का चटनी है, ये सारे का सारा, वाह मज़ा आ गया। मेरा दिल कर रहा पाइनएप्पल की चटनी ना वैसे ही खा जाऊँ। ये देखिए सारी की सारी इसको ऐसे ही खाने लगा हूँ। नीचे आइए ज़रा, दाल तो हमने ख़त्म कर दी, अब सांभर आएगा तब तक चटनियाँ खाते हैं। ये आंवला की चटनी है, वाह हाँ, पाइनएप्पल की थी मीठी मीठी और आंवला की ये खट्टी खट्टी, क्या कॉम्बिनेशन बना है। रिफिल आप जितनी मर्जी बार करवा सकते हैं, ये सद्या का टोटल कॉस्ट हमें पड़ा है 250 पर पर्सन। वाह, अभी सांभर के साथ हम खाएंगे, राइस आ चुके हैं, थोड़ा सा डालिएगा सांभर, थोड़ा, वाह
अभी सब्जियां मैंने टेस्ट भी नहीं की जो साइड में उन्होंने तीन डाली थी, पुट्टू करी, अवियल और कैबेज का पोरियल। चलिए सांभर के साथ खाते हैं। इस राइस का ना मैंने पहली बार भी, मेरा केरल में तीसरी या चौथी बार मैं खाने लगा हूँ। ये ट्रेडिशनल ब्राउन राइस है केरल के, जो बड़ा मज़ा आता खाने में, बड़े फ्लफी फ्लफी से रहते हैं जब आपके मुंह में जाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। तो अलग अलग एंगल से आपको दिखा रहे हैं कि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ये मेरे हाथ में पापड़ है, पापड़ का हमने अलग से देखिए मंगवाया हुआ है, 8 से 9 पापड़ इसमें पड़े हुए हैं ऑलरेडी, और इतने टेस्टी होते हैं ना ये, और हल्के भी बड़े होते हैं, आप 4-5 तो ऐसे ही खा जाते हैं टेस्ट टेस्ट। ये देखिए अवियल आ चुका है, ये देखिए अवियल। अवियल होता है क्या है, ढेर सारी वेजिटेबल्स कोकोनट ग्रेवी में बनाई जाती है, चटनी आ गई है, 1 चम्मच और डाल दीजिए, थैंक यू। अभी अभी इसको बाद में खाते हैं, पाइनएप्पल चटनी। अवियल मैंने बहुत जगह खाया है, लेकिन सबसे देसी सिंपल और टेस्टी मेरे को जहाँ पर लगा है, तो अवियल का एक टेस्ट होना चाहिए ना, कोकोनट को उसमें आना चाहिए और वेजिटेबल्स का टेस्ट आना चाहिए, बिल्कुल भी स्पाइसीनेस नहीं है, हल्का हल्का नमक है और सारी वेजिटेबल्स का जो टेस्ट है, सब्जियों का टेस्ट है, वो बढ़िया से आ रहा है। लास्ट दिन था हमारा केरल में और बिल्कुल यादगार बन रहा है, पद्मनाभा स्वामी मंदिर के दर्शन प्रभु के। ये आलू है, इसको मैं अकेले खा के देखता हूँ। आलू की सब्जी को तैयार किया गया है टमाटर और कोकोनट की ग्रेवी में, अगर मेरे को सिंपल भाषा में बताना हो तो। और राइस तो चलो केरल में मेरे को बहुत पसंद आ रहे हैं ये वाले। अब ये देखिए हम आपके सामने क्या करने लगे, ये पापड़। आ हा हा हा, अब बनेगी वाह। हमने पापड़ को ऐड ऑन किया, आमले की चटनी को भी ऐड ऑन करते हैं और साथ में हल्का सा आम का अचार। अब ये बाइट बड़ी अलग सी होने वाली है, फ्लेवरफुल होने वाली है। पाइनएप्पल चटनी, आमला चटनी, नींबू अचार, आमले का अचार, दाल, पापड़ और राइस, 7 कॉम्बिनेशन है एक साथ। और देसी घी, तीसरी बार मंगवा ली है पाइनएप्पल की चटनी। मतलब पाइनएप्पल चटनी का ना तो मैं बता ही नहीं सकता वो कि कितनी टेस्टी है। नहीं वाली क्या ये फर्स्ट का ना अड़ाका, अड़ाका अड़ाका बनाना का सकता है इसको, बनाना के साथ पायसम है जी। स्वीडिश यहाँ पर शुरू होने वाली है और उसकी भी इन्होंने बताया कि 3 से 4 स्वीडिश आएंगी। ये बनाना तो दिया था ना छोटा सा, उसका रोल अभी आने लगा है। ये पायसम है, अड़ा पायसम, मैदा और जैकरी, और इसमें हम करेंगे बनाना मिक्स। पायसम को भी मैं याद ही कर रहा था और आ गया। कटला, अच्छा चने का पायसम है ये, इसमें पापड़, ओके। तो ये चने का पायसम आया, चने की दाल, जो दाल का पायसम, ठीक है, चने की दाल का पायसम है। और आप कॉम्बिनेशन देखते चलिए, कह रहे हैं कि इसमें पापड़ तोड़ के डालना है ये वाला। ये देखिए ये क्या क्या कर रहे हैं, ये चने की दाल का पायसम। ओह माय गॉड, क्या ही कॉम्बिनेशन है जो यार। और भी ट्राई करूंगा पापड़ के साथ। पहली बार चने की दाल का पायसम खा रहा हूँ और पापड़ के साथ। सद्या के 2 डेजर्ट हुए हैं हमारे, अभी 4 आएंगे। 3 नंबर साथ में बोलते भी है 3 नंबर। ये कौन सा है, पाइनएप्पल पायसम। पायसम की वैरायटी देखिए, ये देखिए स्पेशल पायसम, ओके ये स्पेशल पायसम बोल रहा है इन्होंने। पाइनएप्पल की चटनी तो हमारे मुंह से अभी तक उसका टेस्ट नहीं उतरा, ये पायसम देखते हैं कैसा पाइनएप्पल का। पाइनएप्पल तो यहाँ पर होता ही बहुत है और पायसम भी
पहली बात जो मैं खा रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक्स्ट्रा शुगर डाली नहीं। जो पाइनएप्पल का नेचुरल शुगर होता है उसी का टेस्ट आ रहा है। शुगर आपको थोड़ा कम लग सकता है लेकिन बिल्कुल बढ़िया है। पूरण पोली जी, पूरा डालेगा? आधा आधा डाल लीजिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, इसको किसके साथ? दूध वाला पाइसा। दूध वाला पाइसा, ठीक है, चलिए दोनों मिक्स कर, इसको मिक्स कर देना ना। ये दूध वाला पायसम दिख रहा है हमें, सेवियाँ भी दिख रही हैं और साथ में ये पूरण पोली है। महाराष्ट्र की पूरण पोली आपने सुनी होगी, चने के बेसन से जो बनती है। हम क्या करेंगे, पहले ना ये सारा ख़त्म कर लेंगे चौथी आइटम थी, उसके बाद ये केला थोड़ा थोड़ा हमारा बचो बचा हुआ है उसको फिनिश करेंगे, फिर से हमारा जो टेस्ट है नमकीन हो जाएगा और फिर से हम खाएंगे दो तरह के पायसम। मैं फिर से लूँगा, पहला पाइनएप्पल पायसम और दूसरा जो चने वाला पायसम हमने खाया था पापड़ के साथ। पूरन पोली में इन्होंने ना सौंठ का पाउडर डाला हुआ है, अदरक का पाउडर में जिसे कहते हैं, उसने पूरे पूरन पोली में छाया हुआ है, वही पूरन पोली में छाया हुआ है। केरल की यात्रा सफल सफल सफल। अभी भी जो बचा है इस केले के पत्ते पे उसे मैं फिनिश करूं, जैसे मैंने बताया, फिर जो दो पायसम हमने वो ट्राई करने हैं और फिर हम उसके बाद निकलते हैं बाकी के जो मुख्य स्थल हैं। वन ऑफ द मेमोरेबल पीस रहेगी ये मेरी, जब से हमने ये चैनल शुरू किया, इतनी शानदार हॉस्पिटैलिटी, टेस्ट, एम्बियंस और वैरायटी, एक से बढ़कर एक, सभी चीज़ें बहुत बढ़िया। तो सदया फिनिश करके अब हम जाएंगे पद्मनाभा स्वामी के दूसरे मुख्य तीर्थ स्थल के दर्शन करने, जिसे कि सबरीमाला ऑफ वुमेन भी कहा जाता है, आतुकुल भगवती टेम्पल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये राजधानी टूरिस्ट होम है, ये देखिए वो सामने मंदिर का ईस्ट फोटो में दिख रहा है। लगभग 20 कदम की दूरी पर हमने यहाँ पर स्टे लिया था, रूम क्लीन है, कंफर्टेबल स्टे था हमारा, हमें चार्ज यहाँ पर पड़ा है 750 वन नाइट का फॉर 2 पर्सन। अभी हम पद्मनाभा स्वामी मंदिर के बाद दूसरे मुख्य तीर्थ स्थल अतुकुल भगवती मंदिर में पहुंच चुके हैं, जिसका कि गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। क्यों है ये रिकॉर्ड? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है यहाँ पर द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वुमेन, यानी कि एक ऐसा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है जिसमें लार्ज नंबर में सिर्फ औरतें ही, वुमेन ही इकट्ठी होती हैं। पोंगल फेस्टिवल उसे कहा जाता है। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो ये था, इतनी बड़ी संख्या में जो औरतें इकट्ठी हुई थी उन्होंने एक साथ यहाँ पर पोंगल बनाया था, जो कि यहाँ का एक ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रसाद है जब यहाँ पर फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो ये मंदिर माँ भगवती को समर्पित है, अंदर जाकर दर्शन करते हैं। और एक विशेष बात, जिस समय ये त्यौहार फेस्टिवल मनाया जाता है उस समय यहाँ पर मेल्स की एंट्री अलाउ नहीं होती। अतुकुल भगवती टेंपल मंदिर का मुख्य इतिहास 5वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब कनकी नाम की एक भक्त हुआ करती थी, उसे ही आज के समय में यहाँ पर माँ भगवती के रूप में पूजा जाता है। उस मंदिर की और एक विशेष प्रथा है कि यहाँ पर आपको जो जोत प्रज्वलित की जाती है ना, वो नींबू के छिलकों में की जाती है। मान्यता है कि जब जो नींबू के छिलकों की खटास है वो देसी घी से मिलती है तो राहु दोष दूर होता है। तो ये हमने यहाँ पर एक खास तरह की ये प्रथा देखी है, ये जो जोत जला रहे हैं यहाँ पर महिला भक्त। नींबू को पहले काटा जाता है, फिर उसका रस निकाल दिया जाता है, फिर वो जो छिलका खाली रह जाता है उसी में घी डालकर जोत जलाई जाती है। तो भगवती दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ पर ना वेस्ट नाड़ा गेट की तरफ हैं पद्मनाभा स्वामी मंदिर के। तो यहाँ पर आपको बहुत से वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के लिए। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये श्री पंजाबी ढाबा है, लेकिन हम यहाँ पर जा रहे हैं त्रिवेंद्रपुरम में, ये एक खास जगह है वड़ा के लिए। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के वड़ा मिलते हैं, वेंकटेश भवन करके इस जगह का नाम है। तो यहाँ पर आपको ना वड़ा की बहुत सी वैरायटीज़ मिलेंगी, मुख्यतः तो हमने वड़ा सांभर ही आज तक सुना है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि कड़ी वड़ा करके इनका मशहूर है, वो हमने अपने लिए मंगाया है, एक दही वड़ा मंगवाया है। वड़ा सांभर नहीं है ये वड़ा के साथ आपको यहाँ पर दही दिया जाता है, एक तो दही भल्ला होता है लेकिन ये दही वड़ा है। तो करा वड़ा के इन्ग्रीडियंट्स की बात करें तो वड़ा मुख्यतः दाल से बनता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें मुख्य इन्ग्रीडियंट जो है वो राइस का है। राइस के साथ दाल डाली गई है चने की,
ये हमें हल्की हल्की सी दाल दिख भी रही है, और मुख्यतः ये देखिए, जब हम तोड़ रहे हैं इसको तो अंदर से जो फीलिंग दिख रही है, वैसे हमने किसी भी वड़ा में आज तक फीलिंग नहीं अंदर देखी यहाँ, लेकिन कड़ा वड़ा में जो फीलिंग है, राइस बॉल्स बनाए गए हैं तो ये राइस बॉल्स की फीलिंग है जो यहाँ पर, बाहर से जो हार्ड है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो कड़ा वड़ा जो हमने अभी टेस्ट किया है ना, तो मुख्यतः इसमें जो टेस्ट अच्छे से आ रहा है वो आ रहा है हिंग का। राइस की जो यहाँ पर फीलिंग की गई है वो भी बहुत बढ़िया टेस्ट दे रही है, और साथ में जो हमें चटनी मिली है ना, इसने इस कड़ा वड़ा के टेस्ट को कॉम्प्लीमेंट किया है। ये चटनी बेहद ही शानदार है, प्याज की जो चटनी है। तो दही वड़ा की जो मैंने बात की थी, हमने वड़ा सांभर खाया आज तक, दही वड़ा हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। हमने दही का टेस्ट किया था, उसमें हमें हल्का सा नमक लगा, हरी मिर्च डाली गई है मोटी मोटी, और साथ में जो वड़ा डाला गया है। मुख्य मैं अगर बात करूं दही वड़ा और दही भल्ले के बीच में डिफरेंस की, तो दही भल्ला जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ये वड़ा है, दही इसमें डाला गया है, लेकिन वो सॉफ्टनेस इसकी जो है ना, वो सॉफ्टनेस नहीं आपको यहाँ पर मिलेगी, क्रंचीनेस मिलेगी। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बेहद ही जायकेदार और टेस्टी लगा। और जैसे हमने कहा कि दही में नमक कम था, लेकिन वो जो हरी मिर्च है ना, उससे जो स्पाइसीनेस है वो इस दही वड़ा को और भी टेस्टी कर रही है। तो पद्मनाभा स्वामी मंदिर के पास में यहाँ पर आपको एक और खास खाने का व्यंजन है, उसके बारे में बताने लगे हैं। कि हम जब आए थे पिछले दिन, तब हमने शूट किया था, यहाँ पर हलवा मिलता है खास तरह का। तो अभी हम पद्मनाभा स्वामी मंदिर के आसपास की जो चारों स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर घूम रहे थे, तो पीछे देखिए मेरे, वहाँ पर हम भैया आए हैं बालाजी लॉन्ग व्हीट हलवा। समय जो रहता है, टाइम लिखा हुआ है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, आजकल ये 5 बजे भी खोल देते हैं। शाम के समय यहाँ पर ये हलवा मिलता है, लॉन्ग व्हीट हलवा, यहाँ की एक स्पेशल गेहूँ होती है उससे ये हलवा तैयार किया जाता है। तो चलिए चलकर टेस्ट करते हैं। तो ये हलवा ना शाम के समय सिर्फ मिलता है सूजी का, और दूसरा गेहूँ का, लॉन्ग व्हीट गेहूँ, यहाँ पर एक स्पेशल तरह की गेहूँ आती है, लंबी गेहूँ होती है, उससे बनाया जाता है। घी देखिए इसमें कितना डाला गया, और लोग यहाँ पर भीड़ लगती है जब शाम के समय, ये 2 से 3 घंटे के लिए ही मिलता है सिर्फ। कर टेस्ट करके देखते हैं अभी। देसी घी में बिल्कुल जो केले के पत्ते पर दिया, देसी घी दिख रहा है गर्मा गर्म। इसमें इन्होंने मगज़ डाले हुए हैं, वो जो हलवे में टेस्ट ऐड कर रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया आ रहा है। घी है, मगज़ का टेस्ट है, और अच्छे तरह से जो रोस्ट किया हुआ है। तो हमने 20 रुपये का आया था 50 ग्राम, मतलब 100 रुपये का, 100 ग्राम हुआ 40 का, तो 400 रुपये किलो यहाँ पर जो हलवा मिलता है। तो शाम के समय अगर आप आते हैं ना इधर, तो ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पे एंड पार्क करके यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग होती है, उस जगह पर जो है। ये केरल में पिया जाने वाला एक अलग तरह का सोडा है, इसे बोलते हैं स्पाइसी फुलदर सोडा। इसमें हरी मिर्च डाली गई है इस सोडा में, चीनी है, नमक है, ये देखिए हरी मिर्च आपको दिख रही होगी इसमें। तो क्योंकि इसको बनाने के लिए क्या किया गया, इसमें नींबू डाला गया था पहले, फिर उसके ऊपर हरी मिर्च डाली गई है, नमक डाला गया, मिर्ची डाली गई, और फिर सोडा डाल दिया गया। तो ये फुलदर सोडा केरल में आपको यही मिलेगा, स्पाइसी सोडा। ओहो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। टेस्ट भी लग रहा है लेकिन स्पाइसी भी है। तो स्पाइसी ने ज्यादा लग रही थी, तो बैठ के पीते हैं अभी। पहली बार कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है कि हरी मिर्च का सोडा पी रहे हैं, लेकिन केरल में हमने बहुत जगह ये पढ़ा था स्पाइसी सोडा। मैंने सोचा आज इसको ट्राई करके देखिए, अच्छा एक्सपीरियंस लेकिन स्पाइसी एक्सपीरियंस। तो अभी आपको एक से एक दिग्गज पर्सनैलिटी से मिलाते हैं जो मैंने आज तक सिर्फ सुने थे, तो एक से एक आपको भारत की खास शख्सियतों से मिलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर किया ना, मेरे को एकदम से लगा कि कोई बैठा हुआ है सचमुच, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक वैक्स म्यूजियम नहीं देखा है। तो ये अन्ना हजारे जी यहाँ पर बनाए हुए हैं, और साइड पे इनके बाल देखिए, ये देखिए द ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और मतलब ना मेरे को थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि जैसे हिल जाएंगे थोड़ा सा,
इनके मतलब मेरे को टच करने से पहले इनके बाल देखिए बहुत बारीक काम है। अभी मैं देख रहा हूँ इनकी दाढ़ी के ना हल्के हल्के बाल दिखाए गए हैं। थोड़ा सा पास में आइए तो आपको पता लगेगा, ध्यान रखिएगा ये दिख रहा है आपको बाल। ओहो 2 रुपये का हमें टिकट पड़ा था पर हेड, बट मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब एकदम से कुछ एक तस्वीरें या कुछ एक जो वैक्स के स्टैचू हैं वो तो बिल्कुल ही ओरिजिनल लग रहे हैं ना आपको, कि जैसे अभी ये बोल उठेंगे, अभी ये बात करना शुरू कर देंगे। आइए आगे जाके देखते हैं। तो ये ना अभी सामने इधर बैठे हुए थे जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर। मैंने एंटर किया, मैंने सारे देखे तो मेरे को एकदम से लगा कि जैसे कोई देख रहा हो। तो यहाँ दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल जी बैठे हुए हैं, पूरा ऐसे लग रहा है कि जैसे जीवंत है, देख रहे हैं हमें। अभी बात करेंगे इनकी बाजू में, देखिए कैसे रखी हुई है बैठने का स्टाइल, और एकदम से ओरिजिनल लग रहे हैं। तो अभी हम एक और मुख्य मंदिर में पहुंच चुके हैं, दक्षिण के पद्मनाभा स्वामी मंदिर से 70 किलोमीटर की दूरी पर थे। मेरे को बहुत सी मेल्स आई थी इस मंदिर के लिए, नागर कोयल में अभी हैं। कन्याकुमारी यहाँ से बिल्कुल पास में पड़ जाता है, 20 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। कन्याकुमारी तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये नागर कोयल का जो मंदिर है, ये यहाँ पर सांप नागराज जी की, यहाँ पर नागराज जी की पूजा की जाती है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मुख्यतः यहाँ पर लोग आकर हल्दी और दूध अर्पण करते हैं नागराज जी को। आपको इस मंदिर परिसर में अभी मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर 2 मुख्य मंदिर हैं, नागराज जी का और भगवान श्री कृष्ण का। और यहाँ पर हल्दी जो अभिषेक किया जाता है उसकी वजह से जो आपको मंदिर परिसर में ना सिर्फ हल्दी की ही खुशबू आएगी यहाँ पर, और बहुत सारे यहाँ पर प्राचीन नाग देवता जी की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं। तो हमने भी नागराज जी को चढ़ाने के लिए यहाँ पर दूध ले लिया है, हल्दी ले ली है। तो ऐसे ऐसे करके स्नान करवाना होता है, गणेश जी को भी स्नान करवा दिया है साथ में। मंदिर में ना एक अलग सी यहाँ पर वाइब्स हैं, शांति है। पहली बार हम ऐसा कोई मंदिर देख रहे हैं, तीर्थ स्थल देख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपको नागराज जी की इतनी सारी प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। ये पौंड है, यहाँ पर तालाब है, प्राचीन तालाब है, और तालाब के चारों तरफ किनारों पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नागराज जी की अलग अलग प्रतिमा बनाई गई है। और सबसे ख़ास बात, यहाँ पर इतनी प्रतिमाएँ हैं और हर प्रतिमा नागराज जी की एक विशेष रूप से अलग रूप लिए हुई है। किसी प्रतिमा में नागराज जी जो शिवलिंग है उसके ऊपर छाया किए हुए हैं, किसी प्रतिमा में गणेश जी के ऊपर नागराज जी छाया किए हुए हैं, किसी प्रतिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के ऊपर छाया किए हुए हैं। तो बड़ा ही रोमांचित करने वाला ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो आप भी जब कन्याकुमारी आएँ, यहाँ पद्मनाभा स्वामी मंदिर आए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कन्याकुमारी से तो बिल्कुल पास में है, मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आपको यहाँ पर आकर अच्छा ही लगेगा। आपने नाग देवता जी का, शेष नाग जी का, नागराज जी का ऐसा कोई भी मंदिर भारत में नहीं देखा होगा। तो केरल के तटीय क्षेत्रों की यात्रा आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी जानकारी आपको चाहिए पद्मनाभा स्वामी मंदिर के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु।